this is the train. तो आज हम लोग बस निकल रहे हैं शेफील्ड के लिए. मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं. तो बज रहे हैं 9:30 और बस हम निकलने वाले हैं. बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं. नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को. वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली न्यू के ब्लॉग. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. तो आज हम लोग बस निकल रहे हैं शेफील्ड के लिए. मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं. तो बज रहे हैं 9:30 और बस हम निकलने वाले हैं. बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं. थोड़ा मैं दूध गरमाने आ गई थी, रास्ते के लिए रख लेती हूँ कहीं भूख लगे तो. बस मैंने एक प्यारा सा सूट पहना है. ये देखिए, आपको मैं पूरा भी लुक दिखा देती हूँ. और ग्रीन कलर का है और त्योहार का टाइम है, सावन है, तो ग्रीन सूट है. और ये मेरा सूट बहुत पुराना है, शिवांश जब नहीं हुआ था तब का सूट है. अभी यहाँ से थोड़ा हल्का सा टाइट पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ का हैवी है थोड़ा सा. तो चलिए फिर निकलते हैं और मैं भी आपको अपना लुक दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है ओवरऑल मेरा सूट. अच्छा, ये सूट मैंने यहीं यूके से ही लिया था. ये एक बॉम्बे लुक करके वेबसाइट है, उससे लिया था. तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको. और ये है ओवरऑल हमारे सूट का लुक. और शिवांश लगभग 9.5 साल का हो गया है और ये उसके होने के 1 साल पहले का सूट है. उसी टाइम पे लिया था. बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है. ये जो साटन सिल्क होता है उसी फैब्रिक में है और काफ़ी अच्छी लेंथ है. और ये मैंने यूके से ही लिया था. ये bombaylook.com करके है, वहाँ पे सिले सिलाए सूट ही मिलते हैं. तो जब मैं उस समय नया मुझे कुछ पता ही नहीं था यहाँ के बारे में कि कैसे बाय करते हैं ऑनलाइन, तो या तो साउथ हॉल जाती थी वहाँ से ले लेती थी. तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये bombaylook.com दिखा, तो वहीं से लिया था. काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सा मेरे बाँह साइड पे टाइट होने लगा है. इसका स्लीव्स नहीं था, हाफ स्लीव्स में था, लेकिन स्लीव्स ज्वाइंट था, तो इसको मैंने इसमें जोड़ दिया था.
का वेदर बहुत अच्छा था, मतलब ना ज़्यादा धूप थी, ना ज़्यादा छांव थी, ना विंड था, ना रेनी डे ही था, क्लाउडी तो था, बट इट इट वाज वेरी नाइस वेदर। सो हम लोग शेफील्ड बस पहुंचने ही वाले हैं, और ये जैसे ही हम लोग नज़दीक पहुंचते हैं जब शेफील्ड के, तो पहाड़ों जैसा एरिया आने लग जाता है। देखिए कितना क्लाउडी है, बहुत ही मौसम अच्छा था, और ऐसा ही मौसम अच्छा रहता है, वो किचकिच बारिश वाला मौसम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शेफील्ड में ट्रेन और कारें और बसें मतलब एक ही रोड पे चलती हैं, इसको ट्राम बोलते हैं। तो जैसे कोलकाता में होता है ना, ट्राम चलता है वहाँ पे भी रोड पे, जो लोग कलकत्ता साइड के होंगे उनको पता होगा इंडिया में अपने, तो यहाँ भी उसी तरीके से है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कभी बैठने का भी मन कर रहा है, कभी बैठेंगे। और हम पहुंच चुके हैं अब घर पे, और दीपिका यहाँ पे लंच लगा रही है हम सबके लिए, उसका तो फास्ट था। सोच रही हूँ वो ट्रे हटा दो, सामान ज्यादा हो गया। ये क्या क्या है इसमें? ये तो दही बड़े लग रहे हैं। हाँ ये दही बड़े हैं, ये बैंगन की है कुछ, हाँ, कलौंजी, सारे बैंगन है, अच्छा। वो शाही पनीर है, ये दम आलू है, ये राजमा मसाला है। हाँ राइस में इधर रख दूँ या ये ट्रे हटाऊँ क्या पीछे? नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस बार सुने रिजल्ट सबका ये जो है अच्छा नहीं आया, चलो लोगों का कैसा? एंड लंच इट वाज वेरी टेस्टी एंड यमी एंड वेरी सात्विक, बिकॉज सावन चल रहा है, और थैंक्स टू दीपिका, वो फास्टिंग रह के 1 मंथ का हमारे लिए उसने इतना किया। उस दिन मैंने तो बोला था कि कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम लंच पर इसीलिए गए थे कि थोड़ी देर रहकर बातचीत हम लोगों की अच्छी हो जाती है, अदरवाइज़ तो फिर आना जाना ही दूर है ना हमारे यहाँ से, तो आना जाना ही हो पाता है अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए जाएं। उसके बाद हम लोग इतना बिजी हो गए अपने अपने बच्चों में कि पूछो मत। मेरे तो दो बड़े बड़े ही शैतान हैं, आपको पता ही है तो लड़के ही, तो हम भूल ही गए एक दूसरे में, इतना बिजी थे सबके साथ कि भूल ही गए कुछ रिकॉर्ड करने का, ना ही एक पिक्चर लिया एक दूसरे के साथ, एक फैमिली के साथ, ना कुछ, बस पूछो ना। तो वही है कि फिर हम घर आ गए, और अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये जाते समय मैं पनीर बनाने के लिए रख छोड़ गई थी, इसको सेट करने होने के लिए, तो पनीर बना कर गई थी मैं, तो वही मैं दिखा रही थी कि इस तरीके से पनीर को मैं जब इकट्ठा करके स्टोरेज करके मुझे रखना होता है, अगर ज़्यादा दिन के लिए होता तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे रक्षाबंधन के दिन इसे ज़रूरत थी, तो नेक्स्ट डे ही रक्षाबंधन पड़ रहा था, तो मैंने पनीर बना के इसको पानी में ही डाल दिया था, जिससे पनीर हमारा सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी, क्योंकि हमें जाना है नॉरिच, हमारी लवी बिटिया का बर्थडे
सेलिब्रेशन है इस दिन, 18th की वो हो गई है। तो उसने मुझसे कहा था कि उसको जिले वो खाना है, खीर खाना है, तो खीर मैंने चढ़ा दिया है। और जो हमारी छोटी बिटिया है इशिता, उसने मुझसे कहा था कि आंटी मुझे जलेबी खानी है, तो मैं उसके लिए जलेबी बना रही हूँ। तो उसका एक का बर्थडे था और एक का मुझे विश पूरा करना था, तो बस इसीलिए मैं सुबह उठकर और लग गई ये बनाने। तो मैंने यहाँ ले लिया है एक कप के करीब मैदा, और थोड़ी सी उसमें हाफ टी टेबल स्पून मैंने सूजी मिलाया है जिससे क्रिस्पी होता है, और दही मिलाया है 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा यहाँ मैंने सॉल्ट मिलाया है, सॉल्ट से थोड़ा सा हल्का सा नमकीन सा, ज़रा सा बिल्कुल नमकीन सा फ्लेवर आता है, टेस्ट उसका आ जाता है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं, बट थोड़ा सा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने सॉल्ट यूज़ किया है। तो और थोड़ा सा ही मैंने इसमें घी मिलाया है, सबको एक साथ मिक्स करके दही के साथ पहले इसको मैंने पहले ऐसे ही एकदम से पानी नहीं डाल दिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, लेकिन पहले से एक सा डो इसको पूरा इकट्ठा कर लिया है जिससे लम्स ना पड़ने पाए, नहीं तो जो हमारा जलेबी बनाने का जो बॉटल है ना उसमें जाकर फंसेगा और बनेगा भी नहीं अच्छे से। तो कोई मैंने यहाँ इनो वगैरह का यूज़ नहीं किया है। अगर आप सेल्फ जो आता है ना सेल्फ राइजिंग फ्लावर, अगर आप उससे बनाते हो तो इनो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें सब कुछ ऑलरेडी मिला होता है। मैदा अगर बना रहे हो तो मैदे में आप मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़े देर रख छोड़ा था, 15-20 मिनट के लिए करीब ये इस तरीके से रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया था। और जब मैं मूंग की दाल से बनाती हूँ, जो वाइट वाला मूंग वाला दाल होता है, जब उससे बनाती हूँ तो वो मैं रात में ही बैटर बना के रात को छोड़ देती हूँ और फिर सुबह बना लेती हूँ, तो वो बहुत ही क्रिस्पी सा जलेबी बनता है। लेकिन ये इंस्टेंट जलेबी है, जल्दी से बन जाने वाला तुरंत का तुरंत, तो इसीलिए मैंने तुरंत यहाँ पर इसको घोला है और थोड़ी देर रखा है। और अब मैं अब बनाने जा रही हूँ, इधर चाशनी चढ़ा लिया है, इधर खीर हमारा पहले ही चढ़ा देती हूँ कि खीर अच्छे से पक जाए। और मुझे खीर, जैसे लास्ट भी बताया मैंने कि खीर बहुत ही पकी पकी सी खीर अच्छी होती है, ये स्मेल अच्छी आती है, तो खीर मैं हमेशा पहले ही चढ़ाती हूँ जब कोई भी चीज़ मुझे बनाना होता है, उससे पहले ही चढ़ा देती हूँ कि अच्छे से खीर उबल जाए। और दूध में ही चावल पकाती हूँ तो उससे भी बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है, टेस्ट आ जाता है। तो टाइम लगता है, कोई अच्छा चीज़ बनाने में तो टाइम लगता ही है। और भाई अब फुल आनंद लेना है तो थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट करना ही आपको पड़ेगा, लेकिन वो जब बच्चों को सबको अच्छा लगता है तो फिर नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो यहाँ पर सब सफ़ेद वाले कपड़े जो है एक दिन पहले ही मशीन में डाल गए थे तो ड्राई होने के लिए लगा दिए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, कई जगह हमने पेड़ लगाए थे ये, और एक पेड़ आम, एक जो है पौधा ये निकल आया आम का, 2 पौधा यहाँ पर है, 3 पौधा आपको ये दिख रहा है, 1 पौधा इस तरफ है, तो कुल मिला के 4 पौधे निकले हैं। तो मैं वही हस्बैंड से कह रही थी कि अगर मान लो ये पौधे पेड़ ना बने, क्योंकि यहाँ सर्दी का मौसम होता है, इतनी गर्मी तो होती नहीं, जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर अच्छे से आम लगते हैं, यहाँ तो कुछ दिन की गर्मी है बस अब ख़त्म ही होने वाली है। तो मैंने यही कहा कि इसको हम इकट्ठा करके रख लेंगे, कम से कम आम का पल्लव जो हम लोग नवरात्रि में कलश बनाते हैं, कम से कम उसी के काम आ जाएगा, कुछ और नहीं तो। तो यही मुझे यूज़फुल लगा, इसको फ्रीज में डाल दूंगी, अगर ये हरा बना रहेगा तो ऐसे ही आम के पल्लों में हम इसको यूज़ कर लिया करेंगे, कलश बनाते समय बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही शुभ मानते हैं। तो देखती हूँ अगर अच्छे से ये पेड़ बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेकेंड और आई थिंक थर्ड टाइम ये कोशिश है कि हमने आम के पेड़ लगाए हैं, लेकिन हुआ कभी नहीं है, वो मजबूती से बढ़े नहीं मौसम की वजह से। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से पूड़ी पराठा और ऐसे ही खाते खाते मन उब गया। आज भी भैया ने वहाँ नॉरिच जाएंगे तो उन्होंने बोला है छोले भटूरे बनाएंगे वो,
तो मैंने सोचा कि चलो मूंग की खिचड़ी बना लेती हूँ और हल्का फुल्का सा खाना हम खाकर जाएंगे। फिर शाम तक डिनर के टाइम पर हम अपना डिनर करके वहाँ से लौट आए, क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड का जॉब भी है तो हमें वापस तो आना ही था। यहाँ पर हमारी खीर बन चुकी है, जलेबी बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम बनाऊंगी जब हमें निकलना होगा, क्योंकि ले जाऊंगी ना तो सौगी कहीं ना हो जाए। यहाँ से करीब 35 मिनट का रास्ता है नॉरिच का हमारे यहाँ से, आधे घंटे का। तो अब मैं खिचड़ी चढ़ा दिया है और यहाँ मैं जलेबी बना रही हूँ। तो ये बॉटल है जलेबी का, जो बनाने वाला होता है जलेबी उसी में मैंने इसको भर दिया है। और बस हम राउंड राउंड सी जलेबी बना लेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही फूली फूली सी जलेबी हुई थी। तो जब भी ऐसे ही घर में भी मेरे खाने का मन सबका होता है, बना लेती हूँ। लास्ट टाइम जब मेरी फ्रेंड रचना आई थी तो एक दिन पहले ही जलेबी बनाई थी, नेक्स्ट डे सोचा कि उसको बनाकर खिलाऊँ, ना जाने क्यों आई थिंक वो तेल मेरा गर्म नहीं था और मैंने जलेबियाँ उसमें फ्राई करना शुरू करे, बिकॉज़ वो लोग जाने जाने लगाए थे और मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बिना कुछ मीठा खाए ही चले जाएं। तो बस उसी वजह में वो बिगड़ा हुआ था। हालांकि आज मैंने एकदम ध्यान रखा है, तेल खूब गर्म है और ये देखिए हमारी लाल लाल सी जलेबी हुई। हालांकि बाद में उस दिन भी सही हो गई थी, बट शुरुआत का एक दो बैच जो होता है ना वो बिगड़ ही जाता है। तो यहाँ चाशनी में मैंने सबको डुबो के निकाल दिया है, ज़्यादा देर तक इसको रखना नहीं है, बस डिप करके थोड़ा सा इसमें रहने देना है 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद निकाल देना वरना बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, फिर मैंने पहला वाला जो बनाया था सबसे पहले वो भगवान जी को भोग लगाया है, क्योंकि पूरे सावन मैंने कोई मीठा नहीं बनाया है। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी करारी सी ये जलेबी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली। तो भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ। और जस्ट अभी जब मैंने बोला ना कि बहुत दिनों से पूरी पराठा खाते खाते तले भुने ये मन उब गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा कच्चा खाना बना लेते हैं। तो लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि पक्का और कच्चा खाना में क्या अंतर है। तो कच्चा खाना हम बोलते हैं दाल चावल रोटी, इसको बोलते हैं कच्चा खाना। और पक्का खाना बोलते हैं जैसे पूरी हो गया, पराठा हो गया, भटूरे हो गए, तली भुनी चीज़ों को हम पक्का खाना बोलते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो इसी को कच्चा और पक्का बोलते हैं। मेरी दादी तो कभी कच्चा खाना खाई ही नहीं अपनी लाइफ में, वो हमेशा पक्का खाना ही बनाती थी, क्योंकि कच्चा खाना बनाने में उनको बड़ा टिटिम्मा लगता था और बहुत ही शुद्धता सफाई का वाली वो थी। और एक बर्तन को प्रेशर कुकर उस समय नया नया मार्केट में आया था, और कहती थी उसको प्रेशर कुकर बोलती थी प्रेशर कुकर में हम खाना नहीं बनाएंगे, उसमें एक भी कण रह जाएगा तो वो प्रेशर कुकर जो है वो जूठा ही रहेगा। तो इसी वजह से वो बटली में बनाती थी, और उनका और जब कच्चा खाना बनाती थी तो बिल्कुल वो अलग ही बनाती थी। दाल चावल वाले जो होते थे उसके गैस अलग, उसके बर्तन अलग, जैसे होता नहीं मीट मछली और चिकन बनाने वालों के बर्तन होते हैं, उसी टाइप से वो अपना जीवन बिताई हैं। जब भी वो दाल चावल बनाती थी तो अलग बर्तन अलग चौके में बनाती थी। तो इसी के वजह से वो दाल चावल बहुत ही ना के बराबर बनाई होंगी अपनी लाइफ में। खैर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। भैया यहाँ बढ़िया फूले फूले से भटूरे बना रहे हैं, हम नॉरिच पहुँच चुके हैं और मैं रामकृष्ण को खिला रही हूँ। बहुत यमी सा ये भटूरा छोला हुआ था। और वैसे तो हमारी बिटिया का बर्थडे जो लवी का है, बर्थडे 15 अगस्त को पड़ा था, ये लोग वेल्स गए थे, लेकिन क्योंकि हमारी वजह से इन्होंने सेलिब्रेशन कुछ नहीं किया था उस दिन, ये लोग बाहर ही थे, तो वीकेंड में इन्होंने सेलिब्रेशन रखा था कि हमारी फैमिली हम लोग इकट्ठा होंगे। हमारी लवी हमारे साथ 3 साल की उम्र से ही रही है, और यहाँ पर देखिए अभी कपकेक आया है, क्योंकि भाभी को केक ही नहीं मिला था नॉरिच में, तो ये कपकेक लाई थी। वो 18 की हो गई है, 3 साल की बच्ची आई थी यूके में और आज वो देखते देखते 18 की हो गई। मैं यहाँ रामकृष्ण को खाना खिला रही हूँ, और छोले और भटूरे बहुत ही सॉफ्ट हुए थे। मैं वही सोच रही थी काश मैं भी ऐसे भटूरे बना पाती बिल्कुल भैया की तरह। मुझे भटूरे बनाने नहीं आते हैं, जैसे तैसे बना लेती हूँ बट मुझे उतना नहीं आता भटूरा बनाना, बट सीख रही हूँ, सीखने से सब कुछ आ जाता है। तो लवान्या और प्रियंका मेरी बेटी में 4 साल का अंतर है,
लेकिन ये जब पैदा हुई प्रियंका तो लवी के ही गोद में खूब खेली है और उसके साथ खेली बड़ी है। जब भी मैं लेकर जाती थी तो खूब चिल्लाने लगती थी, लवी लवी करके आती ही नहीं थी। मुझे तो गुस्से में कभी कभी उसको घर पे ही छोड़ के आना पड़ता था कि जाओ तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं। और खूब डांटते थे बाद में कि इतना जो है पागल हो जाती हो वहाँ जाने के बाद। तो लवी के जैसे लगता नहीं है कि एक बड़ी बहन को फॉलो कर रही हो छोटी बहन, उसी तरीके से ये बच्चे बड़े हुए हैं एक साथ और अभी भी ये सारे बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं। तो लवी और प्रियंका की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और भगवान करे इसी तरीके से हमेशा रहे। और हमारी इशिता से भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इशिता उस समय बहुत छोटी थी, यह हुई ही नहीं थी आई थिंक, हाँ हुई नहीं थी, वो तो यहीं हुई है यूके में। लवी तो इंडिया से आई थी हमारी। चलो अब कैंडल निकाल के दे दो बच्चों को, चलो चलो खिलाओ लवी को, दीदी को खिलाओ, लवी दीदी को खिलाओ, लवी दीदी को उसको दे दो, एक हाथ में खिलाएगा, खिला दो दीदी, खिला दो एक में से, एक ही खिला उधर दीदी, दीदी को नहीं नहीं लवी दीदी को, अब दीदी अब आप भी खिला दो, दीदी को खिला दो, आप भी जाओ दीदी को खिला दो उसमें से ही, एक ही में से खिला दो, जाओ एक ही में से सब लोग खिला दो। कौन सा लगा, कौन सा लगे, ये वाला सब लोग वाला। तो अब हम नॉरिस से निकल चुके हैं घर के तरफ और प्रियंका वहीं रह गई है। कल रक्षाबंधन है, वो आ जाएगी उनके साथ, क्योंकि लवी और इशिता भी तीनों भाइयों को अपने राखी बांधती हैं। शिवांश आगे बैठे हुए हैं कार में, बिकॉज प्रियंका नहीं है तो मुझे पीछे बैठना पड़ा दोनों बेबी के साथ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए। और जिस आई थिंक जिस दिन ये आपको ब्लॉग मिलेगा शायद रक्षाबंधन होगा या रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ और खुशी खुशी त्यौहार मनाइए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय, राम राम सभी को।